आवाज बहुत हल्की है, लाउड कैसे किया जाए उसे। बहुत धीमी आवाज है हमारी, जब हम किसी के सामने गाते हैं, चार लोगों को मैं गा रहे हैं तो लोग यही बोलते हैं, अरे क्या गा रहे हो भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। तो क्या करें उसके लिए, क्या हम स्केल ऊंचा कर लें कि ऊंचे स्वरों में गाएं तो हमारी आवाज में दम आ जाएगा, या क्या करें, है ना। इतनी हल्की आवाज है, एक तो होता है कि मोटी आवाज कर लें या पतली आवाज करें, क्या करें समझ नहीं आता, और दम कैसे लाएं आवाज में, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, और ये जो कुछ सवाल हैं जो आप ही जैसे लोग करते रहते हैं और आते रहते हैं कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब अपनी नॉलेज अनुसार देने की, आप लोगों की कुछ मदद करने की। तो पूरा वीडियो देखें और जानें कि हल्की आवाज को लाउड कैसे करें। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। जॉन साहब की एक खूबसूरत गजल है ये, उन्होंने लिखी है और मेरी कंपोजिशन है ये। तो खैर, जो टॉपिक है हमारा आज का, कि आवाज़ जो है हमारी बड़ी हल्की है, उसको लाउड कैसे किया जाए। अब ये वो सारे सवाल हैं जिनका एक ही जवाब है, जो मैं हर वीडियो में देता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ, मेरे पिता गुरु भी कहते आ रहे हैं, हम सब संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल पूरा एक ही मकसद को लेकर आपको बताता आ रहा है, वो है उठो जागो रियाज करो। सीधा सा जवाब है, हल्की आवाज़ है रियाज करो, पतली आवाज़ें मोटा करना है रियाज करो, रेंज बढ़ानी है रियाज करो, यही जवाब है सबके। और क्या रियाज करें वो भी हम हजारों बार बता चुके हैं, कि सवेरे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, और जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग, सनराइज से पहले का, उसमें अपने स्केल अनुसार उन चीज़ों का रियाज करो, ओमकार मंत्र का, उसके संधि विच्छेद का, अ उ ओ ओम, इन पांचों को लंबी लंबी सांस में सा पर, अपने सा पर बोलो। आप अगर 18 प्लस हैं और आपकी आवाज़ भारी हो चुकी है, या फिर 18 प्लस भी नहीं है तब भी आपकी आवाज़ भारी हो चुकी है, मेल अगर आप हैं तो पहली काली से करो, पहली सफ़ेद से करो, फीमेल्स हैं या छोटे बच्चे हैं तो पाँचवीं से करो, 5.5 से करो, या आप चौथी से करो, जहाँ से भी आप करना चाहते हो। और रेंज जहाँ तक है पंचम से पंचम तक की होनी चाहिए, खरज यानी कि मंद्र सप्तक का पंचम और तार सप्तक का पंचम, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, वरना इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। और स्वर विस्तार की टेक्निक से वो भी मुमकिन है, हर एक स्वर को लंबा लंबा लेते हुए एक स्वर नीचे एक स्वर ऊपर अगर आप जाते हो तो रेंज आपकी और बढ़ सकती है, अपार है रेंज। तो हमारे शास्त्रीय गायकों ने तो 3-3 सप्तक पार कर लिए, 3.5 सप्तक गाया, हारमोनियम खत्म कर दिया है ना, हारमोनियम से भी ऊपर और नीचे गाया है उन्होंने, और वो गाते हैं, आज भी गाते हैं, तो वो मुमकिन है। लेकिन एक मिनिमम रेंज तो कम से कम पंचम से पंचम तक की तो करनी ही चाहिए, है ना, उससे कम तो फिर आप कोई गाना ढंग से नहीं गा पाओगे जो प्रॉपर है, या क्लासिकल राग कोई प्रॉपर नहीं गा पाओगे। तो हल्की आवाज़ है, करना कुछ नहीं है, कुछ कुछ अलंकारों को मैं बता चुका हूँ उनका रियाज करना है। जैसे सा लगाया, ये सा हमारा पहली गाली का है, इस पर अ उ ओ ओम बोलिए, ये तो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, हर एक अक्षर को पूरी पूरी सांस देते हुए बोलिए। ये हो जाने के बाद भैरव में, क्योंकि मैं ये बात बता रहा हूँ स्वर सवेरे की, ब्रह्म मुहूर्त की, तो उसमें समय जो है वो भैरव राग का है, है ना, और रेधा कोमल लगा के लंबे लंबे स्वर लगाने हैं आपको, सा पूरा लंबा लगाया,
पूरा लंबा जितनी सांस है, सा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा। ऐसे ही करते करते एक स्वर नीचे जाना है, एक स्वर ऊपर जाना है, है ना। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, लंबी लंबी सांस देनी है। मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कैसे करना है। ये हैं फिर कुछ अलंकार हैं जो आपको करने हैं। पहले तो लंबी लंबी सांस वाले चार चार का गैप देते हुए, यानी तीन तीन का गैप है, चौथा वो स्वर ही है। सा रे ग, पूरा अलंकार गए। फिर सा रे ग, ये एक एक गैप दे रहे हैं। फिर सिंगल सा रे ग मा, फिर डबल सा रे ग मा, ट्रिपल सा रे ग मा, फिर चौगुना सा रे ग मा, फिर बस ये चौगुना तक पकड़ लीजिए एक बार और ये ठीक लय है। और इसमें फिर आप आकार में भी कीजिए, इसको स्वर में भी कीजिए। फिर अलग अलग कुछ अलंकार हैं जो स्वरांगिनी में दे रखे हैं। कुछ बल के अलंकार मैंने बताए, जैसे कि ग रे सा मा ग रे पा मा ग धा पा म नि द प सा नि द द नि सा प द नि मा प द ग म प रे ग म सा रे ग। फिर मा ग रे सा पा मा ग रे धा पा मा ग नि धा पा मा सा नि द प। पांच पा मा ग रे सा धा पा मा ग रे नि धा पा मा ग सा नि द प मा। छे धा पा मा ग रे सा नि धा पा मा ग रे सा नि धा पा मा ग। सात नि धा पा मा ग रे सा नि धा पा मा ग रे। ऐसे करते हुए इन अलंकारों का रियाज कीजिए। ये सारे अलंकारों की प्लेलिस्ट आपको व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। नंबर है 9828479211 9828479211। इस पर आप व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, इन अलंकारों की पीडीएफ तक आपको मिल जाएगी। तो सब अवेलेबल है, बस रियाज जो है वो सवेरे करना है, तो अपने आप आपकी आवाज़ में दम आएगा, हल्कापन जो है वो खुल जाएगा। अब मुंह खोल के रियाज करेंगे तो है ना। आप अगर मिमियाएंगे ऐसे ऐसे गाएंगे तो दम तो वैसे भी नहीं आएगा, आधा दम तो आप ही खत्म कर देते हैं जब आप क्या करते हैं मुंह बंद करके गाते हैं। और ये बहुत ही अजीब बात है, मुंह बंद करके कैसे गाया जा सकता है, लेकिन लोग गाते हैं। मतलब मुंह बंद इन द सेंस खोलते ही नहीं है मुंह को, है ना। फीमेल सिंगर्स भी हैं, मेल सिंगर्स भी, सबकी बात बता रहा हूं मैं ये, कि बड़ा कम मुंह खोलते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं कि यार हम बड़ा मुंह खोलेंगे कैसे दिखेंगे। शरीर पर ध्यान मत दीजिए, फेस पर ध्यान मत दीजिए जब रियाज कर रहे हैं। जितना बड़ा मुंह रियाज में खोलेंगे गाते समय उसका 50% हो जाना है। वैसे भी अब सा लगा रहे हैं तो सा, ये नहीं है तरीका। सा वॉइस में फर्क आया कि नहीं, अपने आप साउंड जो प्रोजेक्शन है जो बाहर निकला उसमें फर्क आया कि नहीं, लाउडनेस आई कि नहीं। सा आ, 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 और यही मुंह का शेप देखिए, है ना। अब इतना भी नहीं खोलना है कि एकदम ही जबड़ा फाड़ के, वो भी नहीं करना है, है ना, कि चार चार उंगलियां घुसा रहे एकदम, वो सारी फालतू हरकतें नहीं करनी है, है ना। नॉर्मल करना है, ये नॉर्मल मुंह है, इतना आप खोलिए, अपने आप देखिए आधा दम तो वैसे ही आ जाएगा आवाज में, जो हल्कापन है वो खत्म हो जाएगा। फिर बाकी तो रियाज है ही है सवेरे अगर आप करते हैं तो, ठीक है। सा लगाइए, ओम लगाइए, ओम लगाइए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो अपने आप आवाज में दम आएगा, हल्कापन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो जिनको ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। धन्यवाद।